बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल बन चुकी हैं और इसी बात पर आखिरकार प्रतीक सहजपाल ने दिव्या अग्रवाल के बारे में क्या कुछ और बिग बॉस के बारे में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, चलिए पूरी खबर हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। पहले आपको बता दूँ कि बिग बॉस ओटीटी की विनर वन एंड ऑनली दिव्या अग्रवाल बन चुकी है और प्रतीक सहजपाल ने अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल ने खुद को चूज कर लिया है बिग बॉस सीजन 15 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट के तौर पर और आपको बता दूं कि वो इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि प्रतीक सहजपाल अपने फैंस से भी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात से खुश होनी चाहिए क्योंकि बिग बॉस सीजन 15 में प्रतीक सहजपाल का एक नया अंदाज मिलने वाला है। जी हाँ, और भी कई तरीके से प्रतीक सहजपाल एंटरटेन करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 15 में, इसके लिए फैंस को कहा है रेडी रहने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दिव्या अग्रवाल के बारे में कहा कि दिव्या अग्रवाल का ये नेचर जो उन्हें सच में विनर बनाता है, वो नेचर सबसे बड़ा यही है कि वो सोलो परफॉर्मर है और साथ ही साथ वो जिस चीज़ को ढाल लेती है, या तो गलत हो या तो सही हो, वो उस चीज़ को करके ही दिखाती है और यही विनिंग क्वालिटी उन्हें विनर बना दिया। पर आपको बता दूं कि साथ ही साथ प्रतीक सहजपाल ये भी कहते हैं कि उनके लिए बिग बॉस सीजन 1 ओटीटी जीतना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता था जितना कि सलमान खान के सामने अपना परफॉर्मेंस देना होगा। जी हाँ, वो सुपरस्टार के सामने आना चाहते हैं और सुपरस्टार के सामने अपने परफॉर्मेंस को रखना चाहते हैं। वह देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार प्रतीक सहजपाल किस तरह से बिग बॉस सीजन 15 में उनके ओहदे से कई बड़े लोगों को टक्कर देते हैं। वह आप कितने एक्साइटेड हैं प्रतीक सहजपाल को बिग बॉस सीजन 15 में देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।